समाजवादी पार्टी ने चीनी उत्पाद का किया बहिष्कार। मुरादाबाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के आह्वान पर मुरादाबाद जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताला खान ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर चीनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें आपको बताते चले कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताला खान ने बताया कि हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि चीनी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगे और सरकार द्वारा स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन मिले। जैसा कि हमें पता है कि लद्दाख की घाटी में शहीद हुए 20 जवानों के बदला लेने का समय आ गया है कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। साथ ही सीमा के साथ साथ देश के अंदर आने वाले चीनी उत्पादों पर भी रोक लगे और हमारा देश स्वदेशी सामानों को उपयोग कर सके। देखिए, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर जनपद मुरादाबाद में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। जिसमें अभी आपने देखा कि अभी दो दिन पहले लद्दाख में जो घटना हुई, हमारे भारतीय जवानों की जो शहादत हुई है, उसमें चीन का बहुत बड़ा रोल रहा। और हम लोग इस भारत के अंदर ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार चीन कर रहा है वो भारत देश में आकर कर रहा है और अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो लोग हम इस्तेमाल करते हैं, सस्ते पैसों में हमें बेचता है और जो कमाई करता है उसी से वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस संबंध में हम लोग आज ये प्रत्येक भारतीय से अपील करने आए हैं कि चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप उत्पाद हैं जो वो लोग हमारे यहाँ भेज रहे हैं, उनका बहिष्कार करिए और स्वदेशी को अपनाइए। आज अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्वदेशी ऐप को इस्तेमाल करें, स्वदेशी मोबाइल, स्वदेशी पदार्थों को इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे भारत की स्थिति मजबूत हो सके और हम आत्मनिर्भर बन सकें।